श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद एक महीना बाद श्रोमणी अकाली दल होना चाहिया सी कि इसने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बचाने लिए गुरुद्वारों की सेवा संभाल के हिस्सा पाने लिए धर्म प्रचार के कामों को अगे तोरन लिए जां जिहड़ियां भी कोई उत्थे लोड़ां होण जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्रवाई के विच उन्हां दी सहयोग की लोड़ होवे ओ उहदा सहयोग दे के इस नूं होर स्ट्रोंग करनगे होर महत्वपूर्ण बनाउणगे। वह पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल, लंबा समा काम किया, उस समय तो थोड़ी खड़ोत आई जिहदे करके सिख संगत मायूस हुई और सिख संगत जिहड़ी सी वह चाहती सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद मुख्तियार होवे, आजाद होवे, आजाद हस्ती तौर पर काम करे, क्योंकि वो कार्रवाई के जो कमी आती सी तो सारी सिख कौम के मन भावना ठेस पहुँचती सी। कुछ समय पहला गुरधामा की बेअदबी हुई, गुरद्वारा साहब के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और दुख की गल है कि जिन्हां लोगों ने चैलेंज कर करके गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, बेअदबी की, उस वेले सब तो वड्डा दुख कौम नूं उदों लगा कि उस वेले साडी पंथक सरकार सी। पंथक सरकार हुंदी है जदों ये सट वजी तो सारी कौम ने साडे तो मुख मोड़ लिया, दूरी बन गई जिहड़ी साडे को झली नहीं गई। असीं महसूस किया कि जे कौम ही साडे तो दुखी है, कौम ही साडे पासे हो गई तो असी उन्हां तो वक्रे हो गए किस तरह ताकत लै सकते हैं। कुछ व्यक्तियों ने लंबे समय तो कहना भी शुरू किया कि आपां उन्हां नूं नाल जोड़िए, अपने गलतियां की माफ़ी मंग लईए, सुधार करिए, जो भी इस कमियां आई ने उन्हां लोकां दे विच असी सीधे तौर उत्ते संपर्क बना के उन्होंने असी हल कढ़ने वास्ते कहीए। खैर लंबा समा लग गया, हुण अज जिहड़ी गल देखी जाती है कि क्योंकि पहले मैं अपने एजेंडे ते बोलांगी तो उस तो बाद जिहड़ी कोई गल तुसीं करनी होगी तुसीं भी कर सकते हो। जदों ये बेअदबी की गल आ गई, जदों 2007 दे विच एक परचा दर्ज किया गया पोशाक का जिहड़ा उन्हें गुरु गोबिंद सिंह की नकल करके पाई सी, वह 2007 च परचा दर्ज होया। 2014 दे विच वो बिना शर्त तो परचा जिहड़ा सी कैंसल किया गया, वापस लिया गया और जिहड़ा व्यक्ति ने करवाया सी उहदी मर्जी तो बिना, सरकार सी साडी, लोगों का गुस्सा ठीक सी, गिला ठीक सी। फिर जदों 15 दे विच राम रहीम सौदा साध नूं माफ़ किया गया, उस वेले अपनी केवल तो केवल सियासी ताकत बनाने वास्ते जां वोटां दी खातर उहनूं माफ़ करके अपनी ताकत बनाई गई, उहदे नाल होर भी सिख पंथ दे विच कलेश पै गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भावें उस वेले नोटिफाई भी नहीं सी होए, चोण हो गई सी, लेकिन उन्हां दा नाम बदनाम भी किया गया, उन्हां दी ताकत नूं वरत्या गया। 17 दे विच ये मामला माफ़ी का भी आ गया, जदों मौड़ ब्लास्ट होया वह सीधा जिहड़ा सी जांदा सी निशाना वह राम रहीम दे बंदे वाले पास जांदा सी, लेकिन उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। इहो जिहे कई कार्रवाइयां होईयां जिन्हां दे नाल कौम दे विच बहुत वड्डी दुविधा पैदा हुई, दर्द होया, परेशानी हुई। सो सिख कौम जिहड़ी सी पाट गई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते वार होने शुरू हो गए, श्री अकाल तख्त साहब जी की मान मर्यादा नूं ढाल निकल लग पई। अज मैनूं बड़ा दुख है कि वह श्री अकाल तख्त साहिब जिस दे उत्ते दुनिया की हमेशा झाक रहिंदी है कि सिख कौम च कदी दुविधा पै जाए, कदी गुरमत का घाण किते हो जाए, किते कोई मर्यादा का नुकसान हो जाए, तो यह श्री अकाल तख्त सज्जे इस करके सी कि कौम नूं संदेश आदेश ते उहनां नूं उपदेश देना हुंदा, फिर कि जाके सारी दुविधा खत्म होंदी है। पर दुख की गल यह है कि वह श्री अकाल तख्त साहिब जिस दियां विलखण बहुत वड्डियां मर्यादावां हन, विधि विधान जिहड़ा है वह वक्खरा, सिद्धांत वक्खरा, तो उसनों अज चैलेंज किया जा रहा है।